बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए आज रवाना हो रहे हैं। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार पहले भी दिल्ली गए हैं और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्या होगा आगे, क्या रणनीति बनेगी, कई ऐसे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ RJD के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हैं और लंबे समय तक जो है इनका राजनीति का अनुभव है और जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है तो वर्तमान में ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं, हमको भी जानकारी मिली, लोग बता रहे थे कि आज दिल्ली जाने वाले हैं। वैसे सार्वजनिक रूप से उनका कोई बयान नहीं आया है कि दिल्ली जा रहे हैं या किस लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश जी ने भी पहले कहा है और अभी 2-3 दिन पहले खबर छपी कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने भी इनसे बात किया है। अब सवाल यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कैसे तमाम विपक्षी दलों की एकता जो है बनाई जाए ताकि चुनाव में फाइट जो है वो 1-to-1 हो, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसकी कोशिश की जाए। अब इसमें बड़ा भारी पेंच है, कई तरह का पेंच है, उसमें एक पेंच तो बहुत ज़बरदस्त है कि ऐसी भी पार्टियां हैं जिनके साथ राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सीधे मुकाबला है। अब जैसे मान लीजिए कि ममता बनर्जी बंगाल में, अब बंगाल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ रही हैं, दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी से भी उनकी लड़ाई, और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार जो है विधानसभा का चुनाव जो है बाई इलेक्शन में जीत गया। अब कांग्रेस पार्टी का वहाँ जो मूड है वो काफ़ी हाई है, तो इसमें क्या होगा। उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा सीट जो है वहाँ से, वहाँ अखिलेश के खिलाफ, अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी के बाद सीधे पोलराइजेशन होता जा रहा है, वहाँ कांग्रेस क्या करेगी, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी गत जो है हुई थी और उसके 97% उम्मीदवार जो है हार गए थे चुनाव में, 150 के लगभग सीटों पर उसका जमानत जब्त हो गया था। तो ये लोग पहले लड़ रहे थे, लेकिन जैसे राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता को लोगों ने ख़त्म किया, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, अखिलेश ने भी विरोध किया, ममता बनर्जी ने भी विरोध किया, यहाँ तक कि तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भी विरोध किया। तो इससे एक उम्मीद बैठी बनी कि साहब 1-to-1 की फाइट की गुंजाइश हो सकती है क्या, इसको, इस संभावना को तलाश किया जाए। नीतीश कुमार इस मामले में भूमिका निभा सकते हैं, नीतीश कुमार अखिलेश से भी बात करें, नीतीश कुमार ममता बनर्जी से भी बात करें, वो के चंद्रशेखर राव से भी बात करें और बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस बार बार अपने आप को केंद्र में ही रख के बात करती है। अरे अभी कपिल सिब्बल जी का बयान आया, इसके पहले जयराम रमेश का बयान आ गया था, उसके पहले खुद जो है क्या नाम है राहुल गांधी का बयान आ गया था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी दृष्टि जो है वो क्षेत्रीय होती है, यानी उनकी दृष्टि राष्ट्रीय नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी है वो, उनकी लंबे समय तक उन्होंने देश में शासन किया है कांग्रेस पार्टी ने, आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर कैसे बन गई, वो भी माने कट्टरवादी विचारधारा जो भारत में आज़ादी की लड़ाई से लेकर के हमारे संविधान तक में दर्ज है कि ये उदारवादी हमारा समाज रहा है, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग परंपरा है, भाषा है, बोली है, ये सबको जो है समान अधिकार देने की गारंटी जो है संविधान में दी गई है, या लोकतंत्र जो है हमारा, जो वोट का अधिकार है वह भी जो है सबके लिए बराबर है। वोट का अधिकार शिवानंद तिवारी का हो या जीतन राम मांझी का हो, ब्राह्मण का हो या मुसहर का, गिनती तो सबकी एक होगी। तो लोकतंत्र भी बराबरी के ही सिद्धांत पर है, हिंदू का वोट हो या मुसलमान का वोट हो, औरत का वोट हो या मर्द का वोट हो,
सबका मान जो है बराबर है। तो ये जो बराबरी का सिद्धांत है और संविधान ने जो वादा किया है, इससे उलट एक ऐसी व्यवस्था लाने वाली पार्टी जो कहती है कि नहीं साहब, हम तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका क्या मतलब है भाई? उस हिंदू राष्ट्र में जो आप बनाने जा रहे हैं, उसमें जो दलित है उसकी क्या हैसियत होगी? जो पिछड़ा है उसकी क्या हैसियत होगी? जो ब्राह्मण या द्विज हैं उनकी क्या हैसियत होगी? इसके बारे में तो कहीं से, हिंदू समाज तो बराबरी का जो सिद्धांत है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, बराबरी के सिद्धांत को मानता ही नहीं है। हिंदू समाज तो जाति आधारित समाज है, जो जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ मानता है, किसी को माने भेद निगाह से देखता है, और किसी को किसी के छाया तक से उसकी जात जो है भ्रष्ट हो जाती। उसमें क्या होगा साहब? ये जो विचारधारा इतनी मजबूती के साथ उभर करके सामने आई है कि उसको कैसे चुनौती दिया जाए, इसका रास्ता जो है नहीं दिखाई दे रहा है। ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई, इसका जवाब तो राहुल गांधी जी को देना होगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कैसे बनी? कांग्रेस की वजह से बनी है। आप याद कीजिएगा 1967 में पहली दफ़ा 7 या 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 52 से लेकर लगातार दिल्ली में भी और प्रांतों में भी कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जब हो गई 52, 57, 57, 62, 62, 67, लेकिन देश की स्थिति नहीं बदली, गरीबी नहीं दूर हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, किसानों की हालत जो है ख़राब होती जा रही है, उसी समय जो है 7-8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो उस समय से ये गैर कांग्रेसी सरकार भी कांग्रेस के ही चलते बनी। इस बात को मैंने कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखना होगा, राहुल जी को ध्यान में रखना होगा, कैसे जो है बनी। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सचमुच उनको लगता है कि नहीं साहब, ये देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए, देश की एकता के लिए ये विचारधारा खराब है, और इसको अगर हम अगले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं आएंगे, हराएंगे, और फिर इनकी सरकार बन जाएगी, तो संविधान और लोकतंत्र दोनों पर खतरा होगा, जैसा कि कहा जा रहा है। तो अगर ये आपकी प्राथमिकता है, और ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए कि 52 से लगातार आप ही की सरकार जो है अधिकांश समय मैंने केंद्र में भी और राज्यों में भी रही है, तो आपकी जो नीति रही है इसको आप क्यों नहीं मानते हैं कि वह भी जवाबदेह है इस विचारधारा के को यहाँ तक पहुँचाने में? इसलिए हमको लगता है कि नीतीश जी गए हैं, नीतीश जी अखिलेश से, माया जैसा कि हमने कहा, ममता बनर्जी से, चंद्रशेखर राव वगैरह से, या नवीन पटनायक से, इन लोगों से बात करके समझें ये क्या चाहते हैं और क्या रास्ता वो बताते हैं, किस तरह से 1-to-1 फाइट जो है बीजेपी के साथ हो सकता है, और वो प्रपोजल जो है वो कांग्रेस के सामने रखें। सवाल ये भी है सर कि जिस प्रकार से JDU पोस्टरबाजी किया है और जिस तरीके की तस्वीरें इन दिनों निकल कर सामने आई है, लगता है कि नीतीश कुमार को चेहरा मानेंगे? नीतीश कुमार का चेहरा मानने का कहाँ अभी सवाल उठा है भाई? अभी तो ये सवाल उठ रहा है कि 1-to-1 फाइट कैसे हो, ये रणनीति कैसे बनाई जाए, अभी सवाल ये है। अभी कहाँ चेहरा मोहरा बनाने की बात हो रही है। इसलिए ये ऐसे ही है, इसी तरह का मैंने हमको लगता है कि मीडिया में ये सब चलता रहता है खबर को थोड़ा सा नमकीन चटक बनाने के लिए, वही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी जो बात है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की अभी कहाँ बात हो रही है भाई? अभी तो 2024 के लोकसभा चुनाव की ना बात हो रही है, जो 2025 के मैंने लोक मुख्यमंत्री और क्या बात होगी, अभी उसका कहाँ सवाल है। उस वक्त तो ये खबरें निकल कर आई थी कि नीतीश कुमार देश जब घूमेंगे तो तेजस्वी यादव को कुर्सी मिल जाएगी, ऐसा कहीं से नहीं आया था, ये आप लोगों का ख्याली पुलाव है। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ RJD के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी थे, एक एक बातों का जवाब इन्होंने दे दिया है, और अब नीतीश कुमार निकलेंगे फिर से एक बार, और देखना होगा कि इस बार का नतीजा क्या निकल कर सामने आता है। वाकई में ही 2024 लोकसभा चुनाव को जो नीतीश कुमार ने नारा दिया है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, कितना सच होता है। वनीश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।